हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि मार्केट में आते साथ ही लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाता है। हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ शाओमी के बारे में। शाओमी का जो सीरीज आता है रेडमी का नोट सीरीज, वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है प्राइसिंग में और काफी ज्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन वगैरह सब होता है। इसी वजह से लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यही एक रीजन है जो कि नोट सीरीज शाओमी का बहुत ज्यादा बिकता है मार्केट में। तो दोस्तों, इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि ये फोन आसानी से सबको नहीं मिलता है, बहुत सारा वेट भी कराता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रेडमी के तरफ से कौन सा नोट सीरीज आया हुआ है मार्केट में और क्या रहेगी इसकी प्राइस, क्या रहेगी स्पेसिफिकेशन और लॉन्चिंग भी कब होने वाली है, ये भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हो अबरार टेक, मैं हूँ आपके साथ अबरार शेख। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे शाओमी की नोट सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो होने वाला है ना दोस्तों, ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि इसका जो वेरिएंट भी आ रहा है अलग अलग मॉडल के साथ आ रहा है और अलग अलग वेरिएंट के साथ आ रहा है। तो अगर मैं पूरा एक ही वीडियो में कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे पता है आप लोग नहीं देखोगे, तो इसी वजह से मैं तीन पार्ट में ये वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉडल की बात करूँगा तो यहाँ पे Redmi Note 11 यहाँ पे सबसे पहले निकल कर आ रहा है, उसके बाद Redmi Note 11 Pro निकल कर आ रहा है, फिर उसके बाद Redmi Note 11 Pro Plus निकल कर आ रहा है। तो ये तीनों डिवाइस का मॉडल अलग अलग है, स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, प्रोसेसर अलग अलग है और साथ ही साथ वेरिएंट भी आपको इसमें अलग देखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले Redmi Note 11 के तरफ और देखते हैं इसमें क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे Redmi Note 11 के स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके डिस्प्ले को। तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले निकल कर आ रहा है 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आपको ऑलरेडी इस फोन में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, आप सभी को पता है अभी के टाइम में मार्केट में दो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी कि एक स्नैपड्रैगन, एक हो गया मीडियाटेक। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया हुआ है मीडियाटेक का आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि डायमंड सिटी 810 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसकी प्राइस के हिसाब से 800 डायमंड सिटी काफ़ी अच्छा है, कोई ज़्यादा खास बुरा भी नहीं है और नोट सीरीज़ है हमेशा कंफर्टेबल प्राइस में आता है और बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन में आता है। ये चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसी वजह से लोग इसका बहुत वेट करते हैं नोट सीरीज़ का और नोट सीरीज़ के सबसे कह सकता हूँ सैमसंग के बड़े से बड़े फ़ोन को टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसमें रैम के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो रैम निकल कर आ रहा है 8 GB तक का आपको रैम इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि रैम आपको देखने के लिए मिलेगा LPDDR4X का देखने के लिए मिलेगा, ना कि 5 का देखने के लिए मिलेगा। एक जनरेशन पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, स्टोरेज है, रैम है, ये अच्छा ही होगा। पुराना भी है तो क्या हम पहले पुराना यूज़ नहीं करते थे? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पुराना रैम हमें देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा हो सके तो स्लो होगा अभी के आने वाले 5 के मुकाबले में क्योंकि ये 4 है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पे हम कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे जो कैमरा इसका निकल कर आ रहा है, प्राइमरी कैमरे की बात करूँगा यानी कि पीछे साइड के कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 50 MP का आपको एक प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और सेकेंडरी कैमरे की बात करूँगा दोस्तों तो सैमसंग JN11 प्राइम सेंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि सैमसंग का दिया हुआ सेंसर है, वो आपको 2 MP का इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि वो सेकेंडरी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरे की यानी कि सेल्फी कैमरे की। तो यहाँ पे आपको Redmi Note 11 में आपको 16 MP का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है Redmi हर चीज़ में अच्छा होता है सिवाय फ़ोटो में, क्योंकि इसका फ़ोटो उतना खास हमें पसंद नहीं आता है बाकी अदर डिवाइस से, यानी कि Realme से कंपेयर कर लेंगे तो शायद से ये फीका ही पड़ जाता है Realme के सामने, क्योंकि Realme का डिटेलिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है Xiaomi से। तो भले से वो नोट सीरीज़ हो या फिर प्राइम सीरीज़ हो, कोई भी सीरीज़ हो, कैमरा उसके सामने नहीं चल पाता है और कहीं ना कहीं हमें काम चलाने के लायक ही हमें कैमरा इसमें नज़र आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी में मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बता सकता हूँ ये डिवाइस 5G होगा
या फिर 4GB ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी की चीज़ें कंफर्म है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी की चीज़ें तो इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, उसके बाद GPS ए और साथ ही साथ USB टाइप सी देखने के लिए मिलेगा। और बात करेंगे स्टोरेज की, 256 ऑनबोर्डिंग स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि UFS 2.2 के साथ देखने के लिए मिलेगा। मैं पहली बताया था दोस्तों, इसमें जो भी सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया या फिर स्टोरेज होगा, ये एक जनरेशन बाद का यानी कि पीछे का इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद वाला जो वेरियंट आता है यानी कि नोट 11 प्रो, उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है। हो सके उसमें अच्छा देखने के लिए मिले, और ये भी हो सकता है उसकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंट भी ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है इसकी जो प्राइसिंग होती है बहुत हद तक सेफ होती है, मतलब बहुत हद तक अच्छी होती है, 15 से लेके 20 के बीच में ही होती है, कहने का मतलब ये। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे जो इसकी बैटरी निकल कर आ रही है 5000mAh की, आपको इसमें बैटरी देखने के लिए मिल रही, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भले से इसमें बाकी का सिस्टम पुराना हो, लेकिन इसने अभी 5000mAh यानी कि जो अभी रनिंग में चल रहा है उसके साथ इसने स्टार्ट किया है बैटरी को। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैटरी का परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें पुराना वर्जन जो भी स्टोरेज का हो या फिर रैम का हो यूज़ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा चार्जिंग कम खानी चाहिए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपका बैटरी थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा चलने वाला है। और बात करेंगे इसके चार्जिंग की, तो यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग 33 वोल्ट का आपको यहाँ पे चार्जिंग देखने के लिए मिलेगा, जो कि हो सके फास्ट भी हो सकता है या फिर स्लो भी हो सकता है, वो तो अनबॉक्सिंग देखने के बाद या फिर फुल रिव्यू देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे Redmi Note 11 के प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग निकल कर आ रही है, सबसे पहले वेरिएंट की बात बता दूँ, 4GB रैम और 128GB स्टोरेज, यह आपको लगभग 14 से 15 हज़ार के बीच में हो सके तो इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि ये 12 से लेके 15 के बीच में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ पुराना है। जैसे कि हर बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन इसमें यूज़ किया जा रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग 12 या फिर 11 से भी स्टार्ट हो सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पे ये डिवाइस आपको लगभग देखने के लिए मिलेगा 14 से लेकर 16 के बीच में, हो सके तो आपको ये डिवाइस देखने के लिए मिलेगा। और इसमें एक वेरियंट और है जिसमें 8GB रैम 256GB स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसकी जो प्राइसिंग निकल कर आ रही है लगभग 17 से लेकर 20 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 17,000 में आपको 8GB रैम और 256 स्टोरेज, सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उतना बुरा भी नहीं होगा, थोड़ा सा माइनर सा स्लो होगा। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपका बजट कम है और आप सोच रहे हो एकदम अच्छा वाला फ़ोन लिया जाए, तो क्या आप इस फ़ोन के साथ जाना चाहोगे, भले से ये फ़ोन आपको आउट ऑफ स्टॉक ही क्यों ना देखना पड़े। तो दोस्तों ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा Redmi Note 11 के बारे में। तो इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro के बारे में, तो ज़रूर से वो वीडियो भी देख लेना, और उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसी तरह मैं डिटेल में आपको बताते रहूँगा। और लॉन्चिंग की बात हम एकदम लास्ट वाले वीडियो में करेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए आज के ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक कोरोना टाइम है, बी सेफ, बी केयरफुल। जय हिंद।